हरियाणा विधानसभा चुनाव का तूफान थम गया है और अब नेता आराम फरमा रहे हैं। अंबाला में अनिल विज आराम फरमाते नजर आए, देखिए ये रिपोर्ट। हम थकावट वाला काम ही नहीं करते चुनाव में, हम तो मजे मजे से लड़ते हैं, एंजॉय करते हैं चुनाव को। राजनीति में अनिल विज को बीजेपी का गब्बर कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह से अनिल विज विरोधियों पर गरजते हैं वो वाकई में विरोधियों को चारों खाने चित कर देते हैं। अब हम आपको अनिल विज का वो रूप दिखाएंगे जो शायद आपने कभी नहीं देखा होगा। वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवाली है। तो देखा आपने अनिल विज राजनीति में जिस तरह से मंजे खिलाड़ी हैं, इससे उलट लोगों के बीच उनका व्यवहार कितना मिलनसार है। अनिल विज इसे अपना टी पॉइंट कहते हैं। विज अक्सर यहाँ बैठे दिखाई देते हैं, कभी चाय पीते तो कभी अखबार पढ़ते। अब जब वोटिंग हो चुकी है तो अनिल मंगलवार को अपने टी पॉइंट पर पहुँचे तो लोगों के बीच अनिल विज गाना गुनगुनाने लगे। वो अनाड़ी है, वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवाली है। अनिल विज ने लोगों के बीच राजनीतिक चर्चाएं की और फिर चाय की चुस्की ली। अनिल विज अखबार पढ़ते भी दिखाई दिए। मनोहर के मंत्री कहते हैं कि थकान नाम का शब्द मेरे डिक्शनरी में है ही नहीं। नहीं, हम थकावट वाला काम ही नहीं करते चुनाव में, हम तो मजे मजे से लड़ते हैं, एंजॉय करते हैं चुनाव को। और चुनाव के दौरान भी रोजाना यहीं ऐसे ही बैठते थे, ये हमारा टी पॉइंट है। 25-30 सालों से हम यहाँ पर बैठते हैं, खाते हैं, सब गपशप करते हैं दोस्त, हर तरह की बातचीत होती है। और इसके बाद ही हम चुनाव के लिए जाते थे, रूटीन है हमारा ये तो। अनिल विज को मास लीडर के नाम से जाना जाता है, वो कभी भी लोगों के बीच जाकर उनके दुख दर्द को अपना बना लेते हैं। और ये तो विज का पुराना अड्डा है, या फिर यूं कहे कि यहाँ पर विज की चुनावी चौपाल भी लगती है। ये अनिल विज का मस्तमौला अंदाज ही तो है जो अंबाला कैंट के लोगों को अच्छा लगता है। खबरें अभी तक के लिए कमलप्रीत सबरवाल की रिपोर्ट। समझने वाले समझ गए।